अलकायदा ने अफगानिस्तान में तालिबान की जीत पर बधाई दी है। ये बधाई जहां कुछ के लिए अच्छी है तो वहीं भारत के लिए समस्या खड़ी कर देने वाली है। बात करें इस बधाई संदेश की तो इसमें इस्लाम के दुश्मनों के चंगुल से कश्मीर और अन्य तथा कथित इस्लामी भूमि की मुक्ति का आह्वान किया गया है। उसके इस बधाई संदेश ने भारत के माथे पर चिंता की लकीरें खींच ली हैं। दरअसल जब अमेरिकी सेनाओं ने अफगानिस्तान छोड़ा तो उसके बाद तालिबान ने ऐलान किया कि अफगानिस्तान ने पूर्ण आजादी प्राप्त कर ली है और इसके कुछ ही घंटे बाद अलकायदा ने तालिबान को बधाई संदेश दिया। अलकायदा ने बधाई संदेश में कहा है कि इस्लामिक उम्मा को अफगानिस्तान में अल्लाह द्वारा दी गई आजादी मुबारक। इस मैसेज में आगे लिखा गया है कि ओ अल्लाह, लेवन सोमालिया, यमन, कश्मीर और दुनिया के अन्य इस्लामी जमीनों को इस्लाम के दुश्मनों से आजाद कराओ। ओ अल्लाह, दुनिया भर में मुस्लिम कैदियों को आजादी दिलाओ। अलकायदा ने अपने संदेश में अमेरिका पर तीखे तेवर दिखाते हुए आगे लिखा कि हम सर्वशक्तिमान और सर्वविद्यमान अल्लाह की तारीफ करते हैं कि उसने अविश्वास के मुखिया अमेरिका को अपमानित किया और उसे शिकस्त दी। हम उनकी तारीफ करते हैं कि उसने अमेरिका को तोड़ दिया और इस्लाम की धरती अफगानिस्तान पर उसे टक्कर दी। साथ ही संदेश में आगे भी लिखा गया है कि अमेरिका को मात देने के साथ इस देश ने दो दशकों के छोटे से समय में 3 बार अलगाववादी ताकतों को देश से निकाल बाहर किया है। वहीं अलकायदा ने अमेरिका को शैतान का साम्राज्य बताया है। साथ ही तालिबान की हुई इस जीत को दुनिया में दबे कुचले लोगों के लिए प्रेरणा बताया है। उसने कहा कि इन सारी घटनाओं से साबित होता है कि केवल जिहाद से ही जीत हासिल की जा सकती है। अलकायदा का यह संदेश भारत के लिए कुछ तनातनी पैदा कर देने वाला है और वो इसलिए क्योंकि अफगान में तालिबान के उभार के बाद से ही कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में इजाफा हुआ है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि पाक अधिकृत कश्मीर POK में कई आतंकी तालिबान की जीत का जश्न मनाते देखे गए हैं।